वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। फिलहाल मैं हूँ अभी पटना जंक्शन पे और क्या ही खूबसूरत लग रहा है पटना जंक्शन बाहर से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड हूँ मैं अभी और इसी साइड में आपको हनुमान मंदिर देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, काफ़ी फेमस टेंपल है ये पटना जंक्शन पे हनुमान मंदिर। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको नेशनल फ्लैग भी देखने को मिल जाएगा पटना जंक्शन पे। आज की जर्नी जो होने वाली है ट्रेन नंबर 13239 जो कि पटना से कोटा को जाती है, पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन में। तो दोस्तों चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो दोस्तों जो अपनी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है और इसका यहाँ से निकलने का टाइम है 11:30 पे और अभी समय हो रहा है 11:10। तो दोस्तों ये रही अपनी ट्रेन पटना कोटा एक्सप्रेस। इस ट्रेन को भी इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है और इसमें जो कोचेस लगे हुए हैं 6 AC के कोच, 11 स्लीपर कोच और 2 जनरल कोच लगे हुए हैं। साथ में दोस्तों पेंट्री कार की भी सुविधा दी गई है पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन में। सो खाने पीने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली पटना कोटा एक्सप्रेस में। और जो मेरा कोच है दोस्तों स्लीपर क्लास में S4 कोच है मेरा। तो दोस्तों कोच में चलने से पहले मैं आपको लोकोमोटिव दिखा देता हूँ कि पटना कोटा एक्सप्रेस कौन सी लोकोमोटिव के साथ चलती है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको लोकोमोटिव दिखा देता हूँ। Web 7 लोकोमोटिव के साथ चलती है और जो लोकोमोटिव लगा हुआ है संतरागाछी का लोकोमोटिव लगा हुआ है पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पटना इंदौर एक्सप्रेस डिपार्चर हो रही है इंदौर की तरफ। इसका यहाँ पे 11:15 डिपार्चर का टाइम है। पटना इंदौर एक्सप्रेस निकल गई प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। चलते हैं अपने कोच में। तो दोस्तों मेरा जो कोच नंबर है S4, तो फाइनली मैं अपने कोच की तरफ आ चुका हूँ। तो चलते हैं कोच के अंदर। और जो मेरी सीट नंबर है 60 लोअर बर्थ मिला है मुझे। तो दोस्तों जैसा कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आप लोग देख सकते हो जो ट्रेन खड़ी है सुविधा एक्सप्रेस है जो कि पटना से मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को जाती है सुविधा एक्सप्रेस। इस ट्रेन का दोस्तों केवल 7 स्टॉपेज है मुंबई तक के। हफ्ते में केवल 2 दिन चलती है, शनिवार और बुधवार को। सो गाइस अगर आप लोग सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन का टाइम हो चुका है डिपार्चर का पटना जंक्शन से। तो दोस्तों ट्रेन हमारी फाइनली डिपार्चर ले रही है पटना जंक्शन से, बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ से डिपार्चर ले रही है। तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो। दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ पटना कोटा एक्सप्रेस के बारे में। यहाँ से ट्रेन खुलने के बाद दोस्तों पटना से कोटा के बीच में 23 हॉल्ट हैं इसके और जो नेक्स्ट स्टॉपेज है दानापुर रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं दानापुर रेलवे स्टेशन पर, तब तक आप लोग भी इंजॉय करो। इसके साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर अभी तक आप बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल की बटन को ऑन कर लेना ताकि जैसे ही हम न्यू रेल ब्लॉग्स अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बाय बाय पटना जंक्शन, फिर मिलेंगे।
वन तो ट्रेन हमारी दानापुर रेलवे स्टेशन ऑन टाइम 12 बजे दानापुर रेलवे स्टेशन पे आई है। DNR इसका स्टेशन कोड है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसे ऑपरेट करती है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है, 10 ट्रैक्स हैं, 2 लाइन निकलती हैं, पटना मुगलसराय सेक्शन और सोनपुर हाजीपुर सेक्शन। 2 मिनट स्टॉपेज के बाद दोस्तों ट्रेन हमारी दानापुर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है और जो नेक्स्ट स्टॉपेज है बीटा। तो दोस्तों तब तक आप लोग दानापुर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ अब आपसे सीधा बीटा रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों बीता ये ट्रेन अपने ऑन टाइम 12:20 पे आई है, जबकि यहाँ पे इस ट्रेन का टाइम है 12:13 पे। 8 मिनट लेट हुई है जो कि आगे कवर कर लेगी। यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, 5 ट्रैक हैं और बीटा रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। BTA इसका स्टेशन कोड हुआ। 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद दोस्तों बीटा रेलवे स्टेशन से ट्रेन हमारी डिपार्चर ले रही है। अगर आप में से कोई भाई बीटा से देख रहे हो वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कहाँ से देख रहे हो। सो गाइज आप लोग बीटा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर इंजॉय करो। मैं मिलता हूँ अब आपसे सीधा आरा रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों आप लोग वॉशरूम देख सकते हो, सामने की तरफ मिरर दिया गया है, नीचे बेसिन दिया गया है और नल चालू की कंडीशन में है। और बट दोस्तों इसके नीचे मैं आपको नहीं दिखा सकता, बाकी दोस्तों आप समझदार हो क्यों नहीं दिखा सकता। जो LHB कोच दिया गया है काफ़ी ओल्ड LHB कोच है दोस्तों। कहाँ से आ रहे हैं?
सो दोस्तों ट्रेन हमारी दोपहर के 12:45 पे आरा रेलवे स्टेशन पे आई है, 12-13 मिनट लेट आई है। और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है ARA। यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म हैं, 6 ट्रैक्स हैं। यहाँ से 2 लाइन निकलती हैं, हावड़ा दिल्ली मेन लाइन और आरा सासाराम लाइन। ये 2 लाइन यहाँ से निकलती हैं। यहाँ पे भी 2 मिनट का ये स्टॉपेज है पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन का। 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन हमारी आरा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है, तो आप लोग भी इंजॉय करो। मैं मिलता हूँ अब आपसे सीधा बक्सर रेलवे स्टेशन पे, तब तक आप लोग भी इंजॉय कीजिए। साथ ही अभी तक आप लोग वीडियो में बने हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देना, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही ट्रैवल रेल ब्लॉग्स लेकर के आते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप आरा से देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे। दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना पटना कोटा एक्सप्रेस का डुमराव रेलवे स्टेशन पे स्टॉपेज है या नहीं, क्योंकि दोस्तों रेल यात्री ऐप पे डुमराव में स्टॉपेज शो नहीं कर रहा था। सो आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा बक्सर रेलवे स्टेशन। सो गाइस अभी हमारी ट्रेन वरुणा रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, शायद आगे लाइन क्लियर नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पे खड़ी है। तो देखते हैं यहाँ पे कब तक खड़ी है, फिर आपको बताते हैं। तो मिलते हैं बक्सर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों हमारी ट्रेन बक्सर रेलवे स्टेशन पे अराइवल हो रही है, और जो सामने की तरफ जो ट्रेन है दोस्तों यहाँ से डिपार्चर ले रही है। नई दिल्ली इस्लामपुर एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस है ट्रेन जो कि बक्सर से डिपार्चर ले रही है। इसे भी LHB कोच दे दिया गया है। न्यू दिल्ली। और दोस्तों बक्सर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, 4 ट्रैक्स हैं और इसका स्टेशन कोड है BXR। यहाँ पे दोस्तों पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन का 2 मिनट का ये स्टॉपेज है। नेक्स्ट स्टॉपेज है दोस्तों जमानिया रेलवे स्टेशन, तो जिसे मैं स्किप करने वाला हूँ। मैं अब आपसे सीधा मिलूँगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों फाइनली 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद पटना कोटा एक्सप्रेस बक्सर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है, तो आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो। मैं आपसे मिलता हूँ सीधा पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप बक्सर से वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। मैं अब आपसे सीधा मिलूँगा मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर। आपका कौन सा कोच है? S3 है, पीछे जाइए ना, ये S4 है, आगे जाइए। S3 तो दोस्तों अभी 2 बजने वाले हैं और समय हो गया दोपहर के लंच का, तो मैं घर से खाना लेके आया हूँ। ये देख सकते हैं रोटी, भिंडी की भुजिया और सत्तू वाली लिट्टी।
तो मैं लंच कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों मैं अब आपसे सीधा मिलता हूँ बक्सर रेलवे स्टेशन पे, जमानिया रेलवे स्टेशन मैं स्किप करने वाला हूँ। बाकी मैं आपको विंडो से व्यू दिखाता रहूँगा, तब तक आप लोग व्यू एंजॉय करो। सो दोस्तों खाना खाते खाते जमानिया रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो रही है हमारी ट्रेन। अभी तक ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है, तो आप लोग व्यू एंजॉय करो। मैं अब आपसे मिलता हूँ सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन कुछवन रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी है। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ट्रेन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। बाकी दोस्तों ये लोकल ट्रेन है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पटना के बीच चलती है। कुछवन रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। ट्रेन भी 4 टाइम चल रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे इसे रोका गया है। आएगा लग रहा मुझे, कौन सी ट्रेन है? दानापुर एक्सप्रेस। ये दानापुर एक्सप्रेस आ रही है अभी कुछवन रेलवे स्टेशन। सिकंदराबाद दानापुर। ये ट्रेन भी दोस्तों दानापुर से 12 बजे में खुली है और अभी कुछवन रेलवे स्टेशन आ गई है। इसके पीछे पीछे आई है पटना कोटा के। सो देखते हैं दोस्तों कुछवन रेलवे स्टेशन से कौन सी ट्रेन को पहले लाइन क्लियर देती है, पटना कोटा एक्सप्रेस को या दानापुर एक्सप्रेस को। ये ट्रेन दोस्तों दानापुर से सिकंदराबाद जाती है। सो हैदराबाद के लिए बेस्ट ट्रेन है दानापुर से दानापुर एक्सप्रेस। फाइनली दोस्तों पटना कोटा एक्सप्रेस को पहले लाइन क्लियर दे दिया गया है। सो आप लोग व्यू एंजॉय करो, मैं अब आपसे सीधा मिलता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। उधर आ रहा है स्टेशन। ऑन टाइम आई है, बिफोर आ गई है मुझे लग रहा है। जहाँ तक 3:30 बजे यहाँ पे टाइम है और अभी 3:30 बजने में 8 मिनट बचे हुए हैं। पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम मुगलसराय रेलवे स्टेशन था, जिसे योगी सरकार के अंदर इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है और स्टेशन कोड हुआ 2PDU यहाँ। तो दोस्तों फाइनली 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से डिपार्चर ले रही है और जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वाराणसी जंक्शन। तो मिलते हैं वाराणसी जंक्शन पे, तब तक आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए।
हमारी ट्रेन अराइविंग हो रही है वाराणसी जंक्शन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आई है। सो आप लोग अराइवल देखो, मैं आपसे मिलता हूँ आगे। मालदा दिल्ली फुल हो जाएगा। तो दोस्तों वाराणसी जंक्शन बिल्कुल ऑन टाइम आई है यहाँ पे, 4:25 पे। यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज है और इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BSB। सामने की तरफ दोस्तों मरुधर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लग रही है, जो कि वाराणसी से जोधपुर के बीच चलती है। मैंने इस ट्रेन को पूरा कवर किया है, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन वाराणसी जंक्शन से डिपार्चर ले रही है, तो आप लोग भी इंजॉय करो। मैं अब आपसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट स्टॉप पर सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों यार्ड में खड़ी है वाराणसी जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस, काफी अच्छी ट्रेन है वाराणसी से जम्मू तवी के लिए।
बताओ। मर्दर एक्सप्रेस है, मर्दर मर्द दोस्तों। शाम के 7 बजे पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन का सुल्तानपुर में स्टॉपेज था, बट अभी तक सुल्तानपुर नहीं पहुंची। और जो अभी टाइम हो रहा है 8:30, मतलब कि दोस्तों हमारी ट्रेन 2.5 घंटे से ऊपर लेट हो चुकी है। तो देखते हैं कब तक ये सुल्तानपुर पहुंचती है। सुल्तानपुर से 2 किलोमीटर दोस्तों। फाइनली हमारी ट्रेन 2 घंटे 10 मिनट की देरी से सुल्तानपुर आई है, और जो अभी समय हो रहा है 9:05 हो रहे हैं। इसका स्टेशन कोड है SLN, और यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म 6 ट्रैक्स है, और जो यहाँ से लाइन निकलती है वाराणसी जौनपुर सिटी सुल्तानपुर, दूसरी लखनऊ लाइन फैजाबाद सुल्तानपुर, और थर्ड प्रतापगढ़ प्रयाग घाट लाइन, ये 3 लाइन यहाँ से निकलती हैं। यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज है। तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन सुल्तानपुर से डिपार्चर ले रही है, तो आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो। नेक्स्ट स्टॉपेज है दोस्तों निहालगढ़, जो कि 11:00 के करीब आएगी, तो सो काफ़ी ज़्यादा रात हो जाएगी। सो दोस्तों पार्ट 1 को मैं सुल्तानपुर में ही एंड कर रहा हूँ, बाकी दोस्तों पार्ट 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं पार्ट 2 में, और मैं अब जा रहा हूँ सीधा सोने। अब मैं कवर करने वाला नहीं हूँ लखनऊ तक, उसके बाद दोस्तों मैं कवर करूँगा सुबह के टाइम में। सो मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद, वंदे मातरम।